हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 7.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 7.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल and first draw the triangle, and this triangle is ABC. ABC, draw the figure. Okay, this is point P and this is point O. So now this question ये है कि ABC और DBC, ABC and D बी सी, ये डी है पॉइंट, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। बीसी बेस है दोनों का, एबीसी का और डीबीसी का। ओके, और ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस है तो एबी और एसी इक्वल होगा और इसका डीबी और डीसी इक्वल होगा। देन एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी। AD को P पॉइंट पे, BC को इंटरसेक्ट करता है, तो आपको ये सारी चीजें प्रूव करनी है। तो एट फर्स्ट गिवन में हम लोग लिख सकते हैं कि AB इक्वल AC, DB इक्वल DC। तो प्रूव करना है जो चीजें दिया है, फोर, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ACD, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी फर्स्ट। सेकेंड है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। थर्ड, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। एंड फोर्थ, AP is perpendicular bisector, perpendicular bisector of BC। तो फोर questions हैं इस question में, तो वन by वन हम लोग सॉल्व करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग लेंगे रूप में, फर्स्ट है ABD, ABD, ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी, ये ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, तीन चीजें इक्वल हमको चाहिए होता है दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। हमारे पास देखिए क्या है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी, ये गिवन है। और हमारे पास बी डी और सी डी भी इक्वल है, बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है। ए डी देखो, ए डी इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में, तो ए डी इक्वल टू ए डी, और ये कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, साइड साइड साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सेकंड है ट्रायंगल ए बी पी, देखिए कहां है, ए बी पी ये ट्रायंगल है और ए सी पी ये ट्रायंगल है, हाफ हाफ पूरा दोनों का, इसको भी कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसको भी कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सेकंड, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी, जस्ट राइट इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इक्वल चीजें क्या है, ए बी पी इतना, ए सी पी इतना, ए बी और ए सी पहले से इक्वल है, तो जस्ट राइट ए बी इक्वल टू ए सी, पहले से गिवन है। और क्या है, ए पी कॉमन है, दो हो गया। तीसरी चीज भी चाहिए, देखो तीसरी चीज हमको यहां से मिलेगा, हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉमन किया है पहले में, फर्स्ट में, तो सीपीसीटी से हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल लिख सकते हैं,
तो हम लिख सकते हैं एंगल BAP इक्वल एंगल CAP, तो एंगल BAP इक्वल एंगल CAP, CPCT, CPCT मतलब ये दोनों ट्रायंगल, हमने इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्वर्ट किया है यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा एंगल BAD CAD, और BAD और BAP दोनों सेम है, ये लाइन चाहे यहां तक आए चाहे यहां तक, एंगल सेम है। तीसरी चीज थी हमारी जो था AP कॉमन, AP इक्वल टू AP, ये है कॉमन साइड और देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, साइड एंगल साइड। सेकेंड हो गया। थर्ड हमसे पूछा गया है कि AP बाइसेक्ट एंगल A, AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। जैसे हमने ये लिखा कि BAP और CAP, ऐसे ही हमारा ये बाइसेक्ट कहलाया। जब हमने लिखा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल तभी होंगे जब ये AP इसको हाफ हाफ करेगा, हाफ हाफ मतलब इक्वल इक्वल करेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि सिंस एंगल BAP इक्वल एंगल CAP, तो जस्ट प्रूव, तो देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल A। एक और ये भी बताना है कि D को भी बाइसेक्ट करता है, तो इसमें CPCT लिखो या JP लिखो, CPCT बेटर है लिखना। अब इसमें ये जो AP है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, हमें D को भी बताना है। देखो D को बताने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम इन दोनों एंगल को इक्वल बता दें, ये CPCT से हो जाएगा, या फिर हम नीचे वाले दोनों को बताएं। तो नीचे वाले दोनों को बताने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेटर है ऊपर वाला ही करें। इसका नाम लिखें एंगल ADB इक्वल ADC, एंगल ADB इक्वल एंगल ADC, ये भी CPCT से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। अब अगर ADB और ADC इक्वल है तो इसका मतलब कि देयरफॉर AP जो है, देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल D। तो ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ में है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो हमको ये बताना है कि AP जो है परपेंडिकुलर भी है, मतलब यहाँ 90 भी बनाता है, और BP और CP को इक्वल इक्वल भी बांटता है। BP और CP को इक्वल हम तुरंत लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ABP और ACP सेकंड वाले में कॉन्वर्ट किया है। तो पहले ये लिखो फोर्थ के लिए, BP इक्वल CP, CPCT से आया, CPCT से कैसे, ये सेकंड में देखो आप, हम लोगों ने इसको कॉन्वर्ट किया है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BP और CP इक्वल हो गया। एक अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है ये दोनों ट्रायंगल, तो इस दोनों एंगल को भी हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल BPD इक्वल एंगल CPD, ये भी CPCT से मिला। एक बात और, अगर हम इस दोनों एंगल को प्लस कर दें तो ये लीनियर पेयर बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो हम लिख सकते हैं एंगल BPD प्लस एंगल CPD इक्वल 180 लीनियर पेयर। अब देखो, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने ऊपर लिखा इक्वल है, दोनों को BPD लिख सकते हो आप, तो दो बार BPD लिख दो, इससे क्या होगा, इससे हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी, प्लस करेंगे तो 2 एंगल BPD आया इक्वल 180, तो एंगल BPD इक्वल 180/2, दैट इज 90 डिग्री। तो BPD की वैल्यू आ गया 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री इस साइड है तो इस साइड भी 90 होगा। हम लिख सकते हैं कि हैंस AP इज परपेंडिकुलर टू BC, और ये हमारा हो गया प्रूफ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, AD इज एल्टीट्यूड,
क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एडी एल्टीट्यूड है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है एबीसी, उसका एक आइसोसेलेस ट्रेंगल बनाए। क्वेश्चन नंबर टू, एबीसी आइसोसेलेस ट्रेंगल बनाना है, एबीएसी इक्वल होगा। फिर क्वेश्चन में है एडी अल्टीट्यूड है, तो एडी बनाओ आप, ये एडी अल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 बना। शो दैट एडी बाइसेक्ट बीसी, तो प्रूफ करना है, हमने सिर्फ टू प्रूफ लिखा, गिवन आप लिखेंगे। टू प्रूफ में फर्स्ट है कि एडी बाइसेक्ट बीसी, और नंबर टू है एडी बाइसेक्ट एंगल ए। दोनों काम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों वर्क के लिए हमको ये करना पड़ेगा, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो पहले से ए बी और ए सी इक्वल है, सेकंड ए डी कॉमन है और दोनों तरफ 90-90 भी है, तो एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी, ये है 90 डिग्री इच। और थर्ड ए डी इक्वल टू ए, ये है कॉमन। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, और ये किस मेथड से हो रहा है, यहां पे लग रहा है आर एच एस, राइट एंगल इन्वॉल्व है, हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है। इसके बाद हमको पूछना है, बताना है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, तो बी डी इक्वल टू सी डी लिखे हम, बी डी इक्वल सी डी, ये सी पी सी टी से हो गया, और अगर ये हो गया तो हम लिख सकते हैं कि देयर फोर ए डी बाइसेक्ट बी सी पहला हो गया। फिर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, तो सीपीसीडी से इन दोनों एंगल को भी इक्वल लिखें, एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी सी पी सी टी, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलें, थ्री क्वेश्चन देखते हैं। इसका फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इसका फिगर पहले बनाएं। दो ट्रायंगल्स हैं, एक का नाम है एबीसी और एक का नाम है पी क्यू आर। मीडियंस हैं, इसमें एडी, इसमें होगा पी एन, इसमें है ए एम, इसमें है पी एन। तो क्वेश्चन ये है, ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन, तो शो दैट दिस एंड दिस। तो देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि गिवन में कि ए बी जो है वो इक्वल है पी क्यू के, और इसके अलावा बी सी जो है वो इक्वल है क्यू आर के, और मीडियन ए एम जो है वो इक्वल है पी एन के। तो प्रूफ करना है नंबर वन कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन से, और दूसरा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर। तो दीज टू थिंग्स आर, ये प्रूव करना है दिस टू दोनों चीजों को। तो दिस टू थिंग्स टू बी प्रूव हियर, लेट अस टेक द फर्स्ट वन इन ट्रायंगल एबीएम
एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। देखिए क्या क्या इक्वल चीजें हैं, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये है गिवन, और दिया है ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी है गिवन। ओके तीसरी चीज है बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी है गिवन, लेकिन ये पूरा कुछ हमारे काम नहीं आएगा। बी सी पूरी लाइन है, हमको सिर्फ बी एम चाहिए, हमको सिर्फ यहां से क्यू एन चाहिए, तो हम हाफ कर दें दोनों को, दोनों को बोथ साइड को टू से डिवाइड कर दें, तो हम लिख सकते हैं बी सी बाय टू इक्वल टू क्यू आर बाय टू, और आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि बी सी बाय टू मतलब बी एम होता है और इसका मतलब क्यू एन होता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हो गया ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया पी क्यू एन के साथ, मेथड लगा साइड साइड साइड। ओके सेकेंड पार्ट है कि हमको बताना है कि ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें इक्वल चीजें क्या है लिखते हैं, ए बी इक्वल टू पी क्यू। दूसरा देखो आप, जैसे हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया था तो सीटी सीटी से हम एंगल बी और क्यू को इक्वल लिख सकते हैं, एंगल पी इक्वल टू क्यू, ये हम सीपी सीटी से लिखेंगे और ये तो गिवन है। थर्ड हम लिख लेंगे बी सी इक्वल टू क्यू आर, जो पहले से ही गिवन था, तो देयर फोर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, मेथड है साइड एंगल साइड। ओके तो इसमें फर्स्ट वाले में तो हमको बी सी को हाफ करना पड़ा और क्यू आर को, तो बी एम और क्यू एन मिल गया। जब ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपी सीडी से एंगल बी और क्यू को हमने इक्वल यहाँ पे लिया, और पी और क्यू नहीं, यहाँ पे बी और क्यू लिखना चाहिए, तो हमने बी और क्यू को इक्वल लिया, और बी और क्यू इसलिए इक्वल हुआ क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया था, और यही सेम एंगल बड़े ट्रायंगल में भी है। ये जो ट्रायंगल ए बी एम में है वही बी एंगल ए बी सी में भी है, और क्यू एंगल पी क्यू एन में है, यही एंगल पी क्यू आर में भी है, तो इससे हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर कि बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, तो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में दिया है कि बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, तो ये बी ई हो गया और एक सी एफ, ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं और ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। ओके तो गिवन है क्वेश्चन नंबर फोर में कि बी ई एंड इक्वल सी एफ, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों एल्टीट्यूड्स भी है। और दूसरी चीज है प्रूव करना है एबीसी आइसोसेलेस, तो टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हमें एबी और एसी को इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो दिखाते हैं एबी और एसी को इक्वल, प्रूव करें। हम ट्रायंगल लेंगे बीईसी, बीईसी और बीएफसी, तो स्टार्ट करें बी इक्वल टू सी एफ। क्वेश्चन में है कि ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं, बीई और सी एफ। दूसरी चीज यहां पे 90-90 है, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ 90 डिग्री, पूरा नाम भी लिखा जा सकता है एंगल बी एफ सी एंड एंगल बी ई सी। ओके थर्ड वन बी सी इज कॉमन, देखो बी सी साइड जो है इस ट्रायंगल में भी है और ये इस ट्रायंगल के अंदर भी है,
तो ये हो गया कॉमन, ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। मेथड लगा साइड एंगल साइड, लेकिन सॉरी साइड एंगल साइड नहीं, राइट एंगल है हाइपोटेन्यूज से, साइड है तो आर एच एस। बोला भी था क्वेश्चन में कि आर एच एस क्राइटेरियन से ही कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अब हम सिंपलिसिटी से लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल एंगल सी, और ये सिंपलिसिटी से इस एंगल बी को देखो, इस ट्रायंगल में पूरा बी आता है और इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में पूरा सी आता है, तो एंगल बी इक्वल टू सी, सिंपलिसिटी। अगर बी और सी इक्वल है तो ए बी और ए सी भी इक्वल होगा, तो ए बी इक्वल ए सी। ओके, ए बी इक्वल ए सी क्यों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव भी देखते हैं, इसमें लिखा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी और उसमें ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि बी इक्वल टू सी। देखो एक एबीसी ट्रायंगल बना लिया हमने और ये क्वेश्चन नंबर फाइव, ए बी और ए सी इक्वल है, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर बी सी। यहां से एपी परपेंडिकुलर बनाना है बी सी के ऊपर, शो दैट एंगल बी इक्वल टू सी। हमने सीधे टू प्रूफ लिखा, एंगल बी इक्वल एंगल सी गिवन आप लिखेंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, पहले हमारे पास है ए बी इक्वल ए सी के, ये गिवन फर्स्ट। सेकंड हमारे पास ए पी कॉमन है, दोनों तरफ 90-90 है, तो हम लिखेंगे एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए पी सी, और ये 90 डिग्री इच ए पी इक्वल टू ए पी, ये है कॉमन साइड। ए पी इक्वल ए पी कॉमन साइड है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट बाय द मेथड ऑफ आर एच एस। ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ए सी पी आर एच एस कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल बी इक्वल टू सी, और ये आता है सीपीसीटी से। तो प्रूफ। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।